हेलो एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे मारुति सुजुकी वैगनर का डिटेल वॉक अराउंड। ये वैगनर का 2023 का LXi वेरिएंट है, जो कि बेस वेरिएंट है। तो देखते हैं क्या कंपनी हमें बेस वेरिएंट में फंक्शंस और फीचर्स ऑफर करती है। तो सामने की अगर बात करें तो सामने हमें हेडलाइट में पूरा हेलोजन सेटअप मिलेगा। फॉग लाइट में हमें इस वेरिएंट में हमें ऑफर नहीं किया जाता, लेकिन बाद में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके से सामने ग्रिल मिलेगी, क्रोम की स्ट्रिप और सुजुकी का लोगो हमें सामने मिलेगा। ये गाड़ी का फ्रंट व्यू, दो वाइपर सामने मिलेंगे, एंटीना की प्लेसमेंट ऊपर आपको मिलेगी, इंडिकेटर आपको फेंडर पे ही मिलेगा, और पर आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा। ये 14 इंच के टायर प्रोफाइल आपको मिलेगी। ये व्हील कैप से ये आप एक्सेसरीज में एड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलेगा, ब्लैक में आपको और मिलेगा। आइए देखते गाड़ी के इंटीरियर में, डोर वाइजर आपको मिलेगा, लॉक अनलॉक और आगे के साइड के पावर विंडोज हमें मिलेगी। कुछ इस तरह से दिखता है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। कोई भी कंट्रोल्स आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते स्टीयरिंग व्हील्स पे। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग के लिए बटन्स मिलेंगे और फ्यूल लीड के लिए ओपन करने के लिए बटन मिलेंगे। ऐसे दिखते गाड़ी का इंटीरियर। यह है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस, माइलेज, टेम्परेचर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, RPM मीटर आपको इस वेरिएंट में नहीं ऑफर किया जाता। एक्सेसरीज में आप स्टीयरिंग पे कवर ऐड कर सकते हैं, स्टीयरिंग कवर। ये IRVM आपको मिलेगा। स्क्रीन आप एक्सेसरीज में ऐड कर सकते हैं, सोनी की स्क्रीन आपको कंपनी में ऑफर की जाती है एक्सेसरीज के रूप में। उसके नीचे हमें हज़ार लाइट के लिए बटन्स मिलेंगे। मैनुअल AC कंट्रोल्स हमें इस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। उसके नीचे हमें 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा। 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स हमें मिलेगा। इधर कुछ कप स्पेसेस और हैंड ब्रेक हमें मिलेगा। ड्राइवर साइड पे कोई भी आपको मिरर नहीं मिलेगा, टिकट होल्डर आपको मिलेगा। बीच में आपको हेलोजन लाइट्स मिलेगी। पैसेंजर साइड भी हमें कोई भी मिरर ऑफर नहीं किया जाता। ग्रैब हैंडल हमें दोनों साइड पे मिलेगा। ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। 2 एयरबैग हमें इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। लॉक अनलॉक और पावर विंडो के लिए भी पैसेंजर साइड में आपको बटन्स मिलेंगे। ड्राइवर साइड में हमें सिर्फ 2 पावर विंडो के लिए, सामने के पावर विंडो के लिए बटन्स मिलेंगे। पीछे हमें मैन्युअली विंडो ओपन करनी पड़ती है। ये मैनुअल कंट्रोल हमें मिलेगा विंडो ओपन करने के लिए। लॉक अनलॉक और कुछ बॉटल होल्डर स्पेसेस हमें मिलेंगे। सीट कवर हमें इस वेरिएंट में ऑफर नहीं होता, लेकिन आप एक्सेसरीज में ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे इस गाड़ी में। आइए बात करते गाड़ी के नी रूम और थाई सपोर्ट के बारे में। तो अच्छा सा नी रूम और थाई सपोर्ट गाड़ी ऑफर करती है आपको पीछे। तो 5 लोग गाड़ी में इजीली ऑन बोर्ड हो सकते हैं विदाउट एनी इशू। इस तरीके से दिखता है गाड़ी का इंटीरियर पीछे से। रियर की अगर बात करें तो रियर वाइपर और रियर डिफॉगर आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको ऊपर मिलेगा। टेल लाइट हमें हेलोजन मिलेगी। इंडिकेटर और रिवर्स लाइट भी हमें हेलोजन ही मिलेगी इस वेरिएंट में। 2 पार्किंग सेंसर्स हमें ऑफर किए जाते हैं। बीच में वैगनर की बैजिंग हमें मिलेगी क्रोम फिनिश में। सुजुकी का लोगो मिलेगा। पेट्रोल और CNG में दोनों में आपको ये गाड़ी ऑफर की जाती है। 1000 CC के 3-सिलेंडर नेचुरल इंजन के साथ, जो कि पावर निकलती है 65 HP और 89 Nm का टॉर्क की गाड़ी आपको निकल के देती है। CNG में कंपनी 35 का माइलेज क्लेम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।